वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम थ्रू ट्रामवे से ऊपर सेंट जैसिंटो माउंटेन या सेंट जैसिंटो पार्क में आए थे। तो अभी हम अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे एक विजिटर सेंटर कम म्यूज़ियम है। सबसे पहले हम इसको विज़िट करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन से तो मालूम हुआ है कि यहाँ पे मोस्टली उन्होंने जो इस एरिया के इस पार्क के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और जो भी यहाँ के ट्रीज़ वगैरह बर्ड्स हैं उन सब को उनके ओरिजिनल को इन लोगों ने किस तरह से प्रिजर्व करके वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे किस किस्म के एनिमल्स हैं, कौन से ख़तरनाक एनिमल्स हैं, क्या केयर करनी चाहिए और किस किस्म के बर्ड्स हैं। और साथ साथ मैं आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान भी शेयर कर दूं कि अभी हम यहाँ से इस विजिटर सेंटर का क्विक टूर लेने के बाद हम नीचे वापस जाएंगे इसी ट्राम लिफ्ट या जिसको ये ट्रामवे कहते हैं उसके थ्रू। और फिर आज का हमारा प्लान है कि जो पाम सिटी है उसका एक सिटी टूर किया जाए। और यहाँ पे एक बहुत ही और ख़ूबसूरत जगह है जिसको ये इंडियन कैनियंस कहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं गूगल पे। तो वो लग रहा है कि ऐसी जगह है कि जिसको विज़िट करना हमारी टॉप ऑफ लिस्ट होना चाहिए। लेकिन चले हम पहले इस तरफ आ गए हैं, ये भी बुरी नहीं थी। तो अब यहाँ से इस क्विक टूर के बाद हम नीचे चलते हैं और जाके हम सिटी का टूर करते हैं और इंडियन कैनियंस की तरफ चलते हैं। Intricately connected to each other. Fragile mountain meadows are awash with colorful flowers such as lavender shooting stars, purple asters, yellow monkey flowers, and crimson columbine. They provide food for insects, rodents, and birds. These small creatures are in turn fed upon by larger mammals and birds of prey, including majestic golden eagles. Along the mountain streams grow a great variety of plants, such as the large frond bracken fern, the creamy white stalks of the corn lily, the fragrant western azalea, and the bright. इधर एक माउंटेन गिफ्ट शॉप भी है। अपने आप ट्रिप को मोर मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई गिफ्ट या कोई स्वेनियर बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े व्हील्स आप घूमते हुए देख रहे हैं और इनके साथ नीचे बहुत ही मैसिव साइज़ के कंक्रीट के ब्लॉक्स अटैच हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं इन ट्रामवेज को बैलेंस करने के लिए। ये ऊपर नीचे मूव होते हैं, इनको काउंटरवेट पिट्स कहते हैं। तो इसकी फर्दर समझने के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ें तो शायद आपको समझ आ जाए। मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ सकी, या मेरा कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। वो सामने हमारी ट्रैम भी नीचे से आ रही है, साथ में हम अपना व्यू भी इंजॉय करते हैं नीचे का। तो ट्रैम का वेट करते हैं, फिर इसी ट्रैम में बैठ के हमें नीचे जाना पड़ेगा। रश चेक करें वापस जाने वालों का, अभी लगता है हर कोई वापस जाना चाह रहा है। अब इतने लोग हैं इस ट्रैम में, देखते हैं फिट आते भी हैं कि नहीं, क्योंकि देखने से तो ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली वो काउंट करके, बैरियर जो होता है ना, वहाँ सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है और वो काउंट कर रहा होता है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल को जाने देते हैं और जब वो आगे चले जाते हैं तो बैरियर को क्लोज करके देते हैं। फिर जब नेक्स्ट ट्रेन आने वाली होती है तो फिर दोबारा से ही एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको जाने देते हैं। सामने चेक करें, हमारे पैरों के नीचे तो नहीं, चलो ट्राम पे बैठे हुए हैं, हमारे नीचे बर्फ़ से बड़ी हुई पहाड़ है
और सामने देखें तो डेजर्ट नज़र आ रहा है थोड़े ही फासले पे। मीन के कुदरत का इसको करिश्मा ही कह सकते हैं कि एकदम से चंद किलोमीटर के फासले पे कि एक तरफ बर्फ़पोश पहाड़ हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल गर्म तो नहीं है लेकिन काफ़ी ठंडे भी नहीं हैं, इसको वार्म ही कह सकते हैं कि वो डेज़र्ट नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब हम नीचे थे तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट था, जब जैकेट्स पहनी हुई थी उन्हीं जैकेट्स में हमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, फिर जैकेट्स उतारनी पड़ी थी हमें। ये सामने पुरानी ट्रैम का एक सैंपल रखा हुआ है जो 2000 से पहले यही वाली ट्रैम यूज़ होती थी, बाद में इन्होंने अपग्रेड करके जिसमें अभी हम गए हैं वो वाली ट्रैम कर दी है। इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए हम चलते हैं अब पाम स्प्रिंग सिटी की तरफ और बाकी बातें वहीं जाके करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करें कि किस तरह पहाड़ों के दरमियान में से जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है और सामने डेजर्ट और सामने का व्यू नज़र आ रहा है। हम लोग अभी सिटी में एंटर हो चुके हैं और ये सामने आप पाम ट्रीज देख रहे हैं, इनकी बड़ी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कि ये जो नीचे नज़र आते हैं ऐसे जैसे स्कर्ट्स पहनी होती हैं इन पाम्स ने। अब पता नहीं इनका नाम क्या है, मुझे कहीं से मिल नहीं सका, अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में लिख सकता है, लेकिन लग बिल्कुल इसी तरह रहा है जैसे स्कर्ट्स पहनी हुई हैं। चाहे पाम स्प्रिंग के बारे में कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, चलें वो आपसे शेयर करता हूँ। ये एक रिजॉर्ट सिटी या रिजॉर्ट टाउन है, इसमें ज़्यादातर रिजॉर्ट्स हैं और लोग जो हॉलीडेज़ वगैरह करने आते हैं वही यहाँ पे आते हैं। क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे तो हर तरफ जहाँ पे नज़र जाती थी रिजॉर्ट्स ही थे, डिफरेंट बड़े जो होटल्स और ग्रुप के उनके। इसके अलावा यहाँ पे गोल्फ कोर्सेस भी बहुत मशहूर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जब उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज लाइट मूड में डिस्कस करने होते हैं तो वो पाम स्प्रिंग के गोल्फ कोर्सेज में आते हैं, क्योंकि यहाँ की एनवायरनमेंट उन इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प देती है जो नॉर्मल किसी और जगह पर शायद वो सॉल्व नहीं कर सकते। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक कभी कोई पॉलिटिकल इश्यू रिजॉल्व होते तो नहीं देखा।
हमारे नेक्स्ट स्टॉप ग्रैंड कैनियंस के लिए हमें ये पूरा सिटी क्रॉस करके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा। तो चलें इस खूबसूरत सिटी के खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते करते चलते हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ। इसकी एंट्रेंस तो बंद लग रही है। जी हाँ, ये एंट्रेंस वाकई बंद है। साइड पे हमने वो लिखा हुआ था, वहाँ पे पढ़ा है कि ये लास्ट एंट्री सिर्फ 4 बजे तक एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ये क्लोज़ कर देते हैं। तो हम तो लेट हो गए हैं। वो सामने इंडियन कैनियंस हैं, वो जो सामने नज़र आ रहे था। खैर, अब क्या हो सकता है, अब यहीं पर ये जो डेजर्ट और कैक्टस के ट्री हैं और पता नहीं ये और इनको क्या कहते हैं ये वाले ट्री, इसी व्यू को एंजॉय करते हैं। खैर बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है कि हम इतनी दूर से आए हैं बहुत ही लंबी ड्राइव करके और ये बंद मिला है। तो वापस जाना, पता नहीं दोबारा यहाँ पे आने का टाइम मिले ना मिले, अगर मिले तो कब दोबारा मिले। तो कोई नहीं, पार्ट ऑफ ट्रिप होता है, हर ट्रिप में कुछ ना कुछ मिसअप्स होते रहते हैं। तो हमारे आज के ट्रिप का ये छोटा सा मिसअप ही सही। ये मैं कुछ पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि क्या ही ये खूबसूरत जगह थी जो किसी तौर भी मिस करने वाली नहीं थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, स्पेशली आपके जो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के ट्रिप्स होते हैं उनमें तो खासकर ऐसा होता ही रहता है। इस डिसअपॉइंटमेंट को इसी शहर की हवाओं में उड़ाते हैं और चलते हैं। अब हम वापसी का सफ़र करते हैं और वापसी को निकलते हैं लॉस एंजलिस की तरफ, अपने खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाते हैं। वो ना सही तो ये सही, ये कम तो नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। वाओ, ये सामने चेक करें, पहाड़ों के दरमियान में से, क्योंकि हम काफ़ी हाइट में हैं और बिल्कुल एक जैसे डोर ओपन हो रहा है और सामने से लॉस एंजलिस सिटी की लाइट्स नज़र आ रही हैं। क्या ज़बरदस्त व्यू है। इसी व्यू के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।